ये जीपीएस मुझे कहाँ लेके जा रहा है? Go straight for 3 hours and you will reach your destination. अरे अभी आधा घंटा पहले तो जीपीएस ने बोला था 3 घंटे, फिर से 3 घंटे. हेलो. हाय स्वीटी. हाय. मैं वही सोचूं, 2 घंटे से तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? अरे टांग खींच रही मेरी. नहीं नहीं, मैं अपने क्यूट से सोनू की टांग कैसे खींचूंगी? तो तुम मुझे सोनू बोलती हो ना, तो दिल में कुचू कुचू होता है. क्या होता है तुम्हारे दिल में? कुचू कुचू. अरे सर, ये मेरा खबरी है, इससे जरा मैं इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ. तुम्हारा खबरी? मैं भी तो देखो. ओ स्नेहल, पंकज, ये कौन सा खबरी है जिसके बारे में मुझे नहीं पता? अरे नहीं रहने दो सर, मुझे ना मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे मिली थी सर, अच्छी दोस्ती हुई हमारी. हेलो. अरे नहीं, ये फ्रेंड सर. क्या हो रहा है? कुछ नहीं सर, पंकज को एक इम्पोर्टेंट फोन आया है. पंकज को इम्पोर्टेंट फोन आया है ना, तो तुम वहां क्या कर रहे हो? चलो इधर आ. पर इम्पोर्टेंट काम दिया था, उसका क्या हुआ? एक मिनट. हेलो. हाँ बेबी सॉरी, थोड़ा काम आ गया था. अच्छा तुम पहुंची कि नहीं होटल? होटल यहाँ मैं पूना तक भी नहीं पहुंची, तुम होटल की बात कर रहे हो? क्या सुबह की निकली हुई हो यार? हाँ यार, पता नहीं मैं ये जीपीएस ने मुझे कहाँ पहुँचा दिया है. मैं किसी कच्ची सड़क पर हूँ. अरे कच्ची सड़क वड़क पे क्यों जा रही हो? सीधा हाईवे लो ना. अरे मैं हाईवे से ही जाने वाली थी, पर जीपीएस ने दिखाया कि हाईवे पे ट्रैफिक है, सो आई थॉट शॉर्टकट ले लो. फंस गई यार. अरे तुम एक काम करो, रास्ते पे कोई ना कोई होगा, उससे रास्ता पूछ लो ना. हाँ मैं किसी से पूछती हूँ, एक मिनट होल्ड करना तुम. ओके. सकते हैं ये रोड हाईवे पे कनेक्ट होगी या नहीं? जी होगी. कितना दूर है यहाँ से? हेलो स्नेहल. हेलो सर. क्या हुआ पंकज? स्नेहल सर, ये स्नेहल की गाड़ी है सर. आप लोग? सीआईडी. सर मैं इंस्पेक्टर महेश, पास के ही दिंडोशी थाने से हूँ. कुछ पता चला महेश? कुछ खास नहीं सर, लेकिन गाड़ी के पास से ही सड़क पे टूटा हुआ मोबाइल मिला. सर ये स्नेहल का है सर. तो बुरी तरह से चकनाचूर हुआ है, लगता है किसी गाड़ी से कुछ लगे आई है. सर शायद मुजरिम किसी गाड़ी में आए होंगे और फिर स्नेहल को उसी गाड़ी में ले गए. सर ये लोग मेरे हाथ में एक बार आ जाए तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा. पंकज, स्नेहल की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी क्या? सर सीधी सादी लड़की थी सर, उसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी सर. ठीक है, अब स्नेहल को जल्दी ढूंढ निकालेंगे. ये स्नेहल का बैग, पर्स, ये लैपटॉप जैसे कीमती चीज गाड़ी में ही है. सर ये जुर्म लूटपाट के इरादे से तो नहीं हुआ. मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है, ये स्नेहल पुणे जा रही थी तो फिर यहाँ इस रास्ते पे क्यों आए? मतलब ये रास्ता पुणे तो नहीं जाता? जीपीएस की वजह से सर, जीपीएस उसको इस रास्ते पे ले आया. जीपीएस गलत रास्ते पे ले आया, ऐसे कैसे हो सकता है? सर एक्चुअली क्या हुआ, जीपीएस ने हाईवे पर ट्रैफिक जाम दिखाया था, इसलिए उसने ये दूसरा रास्ता ले लिया था. मतलब ये स्नेहल किसी बड़ी साजिश की शिकार हुई है. अदारी का कुछ मिला घर में? कुछ नहीं मिला और ना ही मिलने की कोई गुंजाइश है. क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो? तुमको इस गाड़ी में से कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है.
ये केमिकल जैसे कुछ गन तो है? एग्जैक्टली, केमिकल ही है। मुजरिम ने निकलने से पहले इस गाड़ी की अच्छी खासी सफाई की है जिम्बो कुलुक्सी नाम के केमिकल के साथ। अब इस गाड़ी में से ना तो कोई उंगली के निशान मिलेंगे और ना ही डीएनए। काम किसी प्रोफेशनल का है सर, अगर खूनी प्रोफेशनल है तो उसे ढूंढने में बहुत वक्त लग जाएगा सर। पंकज, तुम्हें कुछ वक्त के लिए भूलना होगा कि स्नेहल तुम्हारी दोस्त है, एक सीआईडी ऑफिसर की तरह सोचो। राइट सर। स्नेहल की मॉम डैड, आंटी। पंकज बेटा, कुछ पता चला? आंटी आप फिक्र मत करिए सर, हमारी पूरी टीम है आंटी, हम स्नेहल को ढूंढ लेंगे। सुबह सुबह जब घर से निकली थी बहुत खुश थी, जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही थी ना, मैंने उसे कहा भी कि पूना जा रही हो तो ट्रेन में चली जाना, मगर उसने मेरी बात नहीं मानी। ये स्नेहल पुणे जा रही है, ये कौन कौन जानता है? हम घर वालों को और उसके कुछ दोस्तों को। पुणे में कौन सी कंपनी में जा रही थी ये जॉब इंटरव्यू देने? ओके टेक। वहां से किसी रोहित का उसे फोन आया था। रोहित? तो आप लोगों के अलावा ये रोहित जानता था कि स्नेहल पुणे आ रही है? बस ये इंफॉर्मेशन मिल जाए सर, बहुत मदद हो जाएगी। हेलो सर, मैं हूँ रोहित, इस कंपनी का एचआर मैनेजर। रोहित, स्नेहल नाम की एक लड़की तुम्हारी कंपनी में आने वाली थी ना जॉब इंटरव्यू के लिए आज? जॉब इंटरव्यू के लिए? नहीं तो। नहीं तो का क्या मतलब है? ये ईमेल आपकी कंपनी ने भेजा ना? ये तो हमारी कंपनी का ईमेल एड्रेस ही नहीं है, किसी ने नकली ईमेल से शायद इन्हें बेवकूफ बनाया। क्या ऐसा तो नहीं कि अब तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो? सर ये देखिए मेरा कार्ड, इसमें कंपनी का ईमेल आईडी साफ साफ लिखा हुआ है। अगर आप चाहें तो मैं आपको अपनी कंपनी के बॉस से भी मिलवा सकता हूँ। हमारी कंपनी की सभी पोजीशंस फुल हैं और यहाँ पे किसी भी नौकरी के लिए कोई इंटरव्यू नहीं चल रहा है। सर मतलब ये ईमेल भी उन्हीं अपराधियों ने भेजा? बहुत लंबी प्लानिंग की थी किसी ने। जो कोई भी है स्नेहल के बारे में बहुत कुछ जानता है। पंकज जरा ठंडे दिमाग से सोचकर बताओ, क्या स्नेहल की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? नहीं सर। अरे याद करके बताओ, कभी तो उसने बताया होगा ना कि उसका किसी के साथ झगड़ा हुआ होगा, हैं? याद करो। देखो यार पंकज, जिंदगी में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसका कभी ना कभी किसी से मनमुटाव नहीं हुआ हो। छोटा मोटा झगड़ा हुआ होगा यार किसी से। सर छोटा मोटा झगड़ा उसके फ्रेंड्स के साथ हुआ होगा सर, लेकिन ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हुई सर कि उसे कोई उठा के ले जाए। और सर स्नेहल के घर पे किसी किडनैपर का फोन भी नहीं आया पैसे मांगने के लिए? सर सर वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है सर, अगर कोई पैसा मांगेगा तो वो लोग दे भी नहीं पाएंगे सर। पंकज तुमने कहा कि जीपीएस ने उसे गलत रास्ते पे भेज दिया ना, और जीपीएस पे उसे पता चला कि ट्रैफिक जाम है एक्सप्रेसवे पर, है ना? यस। लेकिन सर ट्रैफिक पुलिस वालों ने बताया कि हाईवे पे कोई ट्रैफिक जाम नहीं था। वही तो, इसका मतलब है जीपीएस ने उसे गलत जानकारी दी। सर जीपीएस गलत जानकारी कैसे दे सकती है सर, आजकल तो हर दूसरा इंसान जीपीएस यूज करता है। प्रॉब्लम जीपीएस में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आजकल ये जिस तरह से कंप्यूटर मोबाइल फोन और लैपटॉप हैक होते हैं उसी तरह से जीपीएस को भी हैक किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, यार कोई अपराधी इतनी प्लानिंग करता है तो फिर उसके लिए तो जीपीएस हैक करना मामूली बात है। सर पिछले 6-7 महीनों में कुछ और ऐसे लोग हैं जो स्नेहल की तरह गायब हुए, इनको भी गाड़ी में से किडनैप किया गया था और वो केमिकल भी छिड़का गया था गाड़ियों के अंदर ताकि सारा सबूत मिट जाए। ओ माय गॉड, क्या हुआ सर? अरे लुक, अब तक मिले ही नहीं। पंकज ऐसे घबराओ मत, समझे? स्नेहल को हम ढूंढ कर लाएंगे, उसे कुछ नहीं होने देंगे, घबराओ मत। पूर्वी देखो क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर समीर वो इस केस को हैंडल कर रहा, बुलाओ उसे ब्यूरो में। सर गायब हुए सभी लोगों को एक ही तरीके से गायब किया गया, पहले उन्हें नौकरी या किसी फ्री गिफ्ट का लालच देकर बुलाया गया, फिर जीपीएस हैक करके उनको कार से उठाया गया।
उसके बाद वो केमिकल डाला गया ताकि किसी को कोई सुराग न मिल सके। समझ ये सब हमें भी पता चल चुका है। कोई नया सुराग मिला है, कुछ नई चीज जिससे हम मुजरिमों के करीब जा सके? सर पिछले महीने कुछ ऐसा ही सुराग हाथ लगा था मुझे। रुको साहब, यही रुको, यही यही। किधर है वो? सर उस पेड़ के नीचे। क्या हुआ? चलो। नहीं साहब, आप जाइए। अरे घबरा क्यों रहे हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। नहीं साहब, मुझे बहुत डर लगता है। अच्छा वो जगह कहाँ है? वो सब वहाँ पेड़ के नीचे। ला मुझे दो। क्यों, यही जगह है? हाँ साहब। गायब हुए लोगों में से एक की लाश को तेजाब डालकर पूरी तरह से जला दिया गया था। ये आपको कैसे पता चला कि मरने वाले लोग इनमें से कोई एक है? कोई और भी तो हो सकता है। डेंटल रिकॉर्ड से ये साबित हो चुका है कि वो लाश विक्टिम नंबर 4 रेचा कुमार की है। फिर बाकी लोग जो गायब हुए उनका क्या? नहीं सर, किसी का कुछ पता नहीं चला। और रेचा के साथ जैसा हुआ है उसे देखकर ये लगता नहीं है कि उनमें से कोई भी जिंदा बचा होगा। तो सर, सर स्नेहल भी नहीं बचा। पंकज, स्नेहल को मार डालेंगे सर। पंकज रेडी, ले जाओ इसे बाहर। पंकज आजा। सर हो सकता है ये किसी सीरियल किलर का काम, शायद। नहीं पूर्वी, लगता नहीं किसी सीरियल किलर का काम है, क्योंकि नॉर्मली सीरियल किलर्स की एक पैटर्न होती है, एक डेफिनेट पैटर्न होती है खून करने की, जान देने की, यू नो। नहीं पता नहीं क्यों, पर सीरियल किलर नहीं लगता है। ये देखो, ये जो भी है ये तो किसी को भी मार रहा है, फिर चाहे वो लड़की हो, औरत हो या कोई मर्द हो। ये देखो, ये स्टूडेंट्स है, ये स्टूडेंट है, उम्र का भी कोई लिहाज नहीं, ये कोई और ही है। ये देखो, ये नताशा बेचारी। अरे ये नताशा के साथ जब ये हादसा हुआ तब उसके साथ कोई बॉयफ्रेंड भी था उसका, कुलदीप, कुलदीप नाम है उसका। जी सर, मैंने उसे 3 बार पूछताछ की, फिर लेकिन कुछ खास जानकारी नहीं मिली। कुलदीप, सब मेरी गलती है, मुझे नताशा को उस दिन कार में अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। सब कुछ शुरू से बताओ, पूरी बात डिटेल में। सर नताशा MYB कंपनी में रिसेप्शनिस्ट का जॉब करती थी, तभी एक दिन अचानक उसे किसी बहुत बड़ी कंपनी से अच्छा जॉब ऑफर आया। सर एक मिनट, सर पहली नौकरी में नताशा को सैलरी कितनी थी? सर 20,000 रुपए। और इस नौकरी में 1,00,000 रुपए सैलरी दी जा रही है। तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा कि अचानक कोई इतनी बड़ी नौकरी क्यों देगा? सर अजीब तो लगा था सर, लेकिन हम लोगों ने सोचा शायद इसे किस्मत का खेल कहते हैं। और मैंने अपनी गाड़ी उठाई, नताशा को इंटरव्यू के लिए छोड़ने चले। ये कौन से रास्ते पे आ गए हम साथ साथ गाड़ी में। कुलदीप, कुलदीप यार, तुमसे कितनी बार कहा है मैंने, तुम गाया मत करो, कितना बेस लगाते हो यार। अरे बाबा मैं गाना नहीं गा रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि हम लोग कहाँ आ गए, ये रास्ता तो कभी देखा नहीं मैंने। तुम ना सिर्फ GPS फॉलो करो, अपना दिमाग मत लगाओ। अरे यार हम यकीनन गलत रास्ते पे आ गए, मैं काम करता हूँ, ट्यूटर लेता हूँ और जो रास्ता हमें पता वहीं से चलते हैं। ओह माय गॉड, अब क्या हुआ? लगता है पंचर हो गई है।
नो। यार दोनों टायर पंचर हो गए, एक होता तो बदल देता। अब क्या करें यार, यहाँ टैक्सी ऑटो कुछ नहीं मिलेगा। भैया 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 एक मिनट, यहाँ आसपास के मैकेनिक मिलेगा क्या? हाँ है ना, आगे 2 किलोमीटर आगे पे ही है। क्या हुआ, पंचर हो गया क्या? हाँ यार, मुझे छोड़ दोगे वहाँ तक? छोड़ तो दूंगा लेकिन 50 रुपए लूंगा। अरे 100 ले लेना यार, चलो। अरे कुलदीप, तुम मुझे अकेला छोड़ के जा रहे हो? बस यूं गया और यूं आया, ठीक है? मुझे तुम्हारे साथ आना ही नहीं चाहिए था। लव यू जान। 10 मिनट तुम अंदर बैठो, बाहर मत निकलना, मैं बस यूं गया और यूं आया, चलो चलो। उसने मुझे कहा भी था उसको अकेला छोड़ के ना जाऊं मैं, आज मैंने उसकी बात सुन ली होती। उसके बाद मैकेनिक को लेके तुम वहां पहुंचे और वहां पे नताशा नहीं थी? नहीं सर। सर ये बाइक वाला मिला हुआ लोगों के साथ? हो सकता है। तुमने उस बाइकर का चेहरा देखा, कुछ याद है? नहीं सर, उसने हेलमेट पहन रखा था। अच्छा वो बाइक का नंबर याद है? नहीं सर, उस समय सिर्फ मुझे नताशा को इंटरव्यू में छोड़ने की जल्दी थी इसलिए नहीं देख पाया। अच्छा ये नताशा कोई डायरी वायरी कुछ लिखती थी? मेरा मतलब है रोज का दिनचर्या या फिर मीटिंग्स के शेड्यूल्स। डायरी तो नहीं है लेकिन हाँ लैपटॉप जरूर, जिसमें वो अपनी जरूरी चीजें लिखा करती थी। लाइए जरा खोलो सर। पासवर्ड 20/04/1987। ये नताशा? हाँ जी सर। ये वारदात हुई थी 6 मार्च को, देखना जरा वारदात से पहले कहाँ गई थी वो, उसका शेड्यूल चेक करो। सर 3 मार्च को नताशा जेडी लैब्स गई थी ब्लड टेस्ट कराने। हाँ तो सर 1 हफ्ते पहले स्नेहल भी वहां गई थी जेडी लैब्स। इतनी बोरिंग फिल्म दिखाई तुमने मुझे, मालूम है सर दर्द हो रहा है। हाँ फिल्म कहीं से भी बोरिंग नहीं थी। अरे इतनी बोरिंग फिल्म थी, मुझे भूख लग रही है, चलो कुछ खा लेते हैं वहाँ पे। और नहीं मैं कुछ नहीं खा सकती, तुम खा लो, मुझे 12 आवर्स की फास्टिंग करनी है, कल मेरा ब्लड टेस्ट है। ब्लड टेस्ट? क्या हो गया तुमको? रिलैक्स, इट्स जस्ट अ ब्लड टेस्ट, नॉर्मल रूटीन चेकअप। अरे यार तुम डरा देती हो, ब्लड टेस्ट। अच्छा ब्लड टेस्ट से डर गए, अगर मुझे कुछ हो गया तब क्या करोगे तुम? तो दूसरी आ जाएगी ना? क्या दूसरी? अरे दूसरी? अरे कहां से? अरे मारो मत यार। अरे यहां मारो मत, यहां पे मेरी बहुत इज्जत है। अरे आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, तुमको कुछ नहीं होना चाहिए। जिसका शक था वही हुआ, सभी विक्टिम्स ने गायब होने से ठीक पहले ब्लड टेस्ट कराया था उसी जेडी लैब से। जेडी लैब से, चलो एक कड़ी तो मिल गई। और सर जिन लोगों को चुना गया था उन्हें एक खास ईमेल आया था टेस्ट के कुछ दिन पहले। कैसा ईमेल? सर ईमेल में लिखा हुआ था कि वो ये सारे टेस्ट 500 रुपए के अंदर कर सकते हैं। सर ऐसा ईमेल तो स्नेहल को भी आया था क्या? 500 रुपए के अंदर तो आजकल एक टेस्ट भी मुश्किल से होता है। बस जरा देखूं क्या टेस्ट। हाँ देख लिया। यार ये तो पूरी की पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट है टेस्ट की, ये 500 रुपए में हो ही नहीं सकते हैं, कम से कम 15,000-20,000 रुपए लगेंगे। क्या बात कर रहा है? हाँ तो फिर बहुत बड़ी गड़बड़े साड़ू के, इसका तो एक ही मकसद हो सकता है कि टेस्ट करना और लोगों को चुनना, तंदुरुस्त लोगों को चुनना और फिर उन्हें अगवा करके मार देना। पर क्यों, क्यों मार देना? सर आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है, 500 रुपए में ये सारे रिपोर्ट्स आ ही नहीं सकते। वही तो हम भी कह रहे हैं, इतने सारे टेस्ट 500 रुपए में कैसे हो सकते हैं? ये लैब इतनी दयालु कैसे हो गई कि इतने कम दामों में ये सारे टेस्ट करने लगी? सर हमने ऐसी कोई मेल भेजी ही नहीं है। अच्छा वो सब छोड़ो, सच यही बताओगे या कोई और नुस्खा आजमाना पड़ेगा हमें? एक मिनट सर, आप इस तरह गलत इल्जाम लगाकर हमें धमका नहीं सकते। आप जिनके नाम दे रहे हैं वो लोग हमारे लैब में आए ही नहीं थे। ये देखिए ये हमारे रिकॉर्ड। हम जानते वो नहीं आए थे, उनके घर वालों ने बताया कि तुम्हारे लैब से होम टेक्नीशियंस गए थे उनके घर पे ब्लड सैंपल लेने के लिए। बुलाओ सबको। ये लिस्ट देख के बताइए आप लोगों में से कौन इन लोगों के घर गया था ब्लड सैंपल लेने के लिए।
मैंने गया था सर। मैं भी नहीं गया था सर। मैं भी नहीं गया था सर। कोई नहीं गया था तो ब्लड सैंपल अपने आप उनके घर से उड़ के यहाँ लैब में आया था। ये खुसुर फुसुर करना बंद करिए, जोर से बोलिए या फिर CID ब्यूरो चल के बात करें। सर एक्चुअली आप सही कह रहे हैं, हम विक्टिम के घर नहीं गए थे बल्कि वो लोग यहाँ आए थे टेस्ट करवाने के लिए, मगर उस दिन नहीं जिस दिन आप कह रहे हैं। अब ये देखिए महीनों पहले आए थे ब्लड टेस्ट कराने के लिए, वो सारे रिपोर्ट्स के लिए नहीं। आधा सच तो आपने बोल दिया, आप पूरा सच बोल दीजिए। क्या किया तुम लोगों ने इनके साथ? कह तो रहे हैं कुछ नहीं किया है, जरूर किसी ने नकली ईमेल भेजा है हमारे नाम से। मगर उस नकली ईमेल भेजने वाले को ये कैसे पता चला कि तुम्हारी लैब में कौन कौन पेशेंट्स आए हैं ब्लड टेस्ट करवाने के लिए? इसका मतलब कोई तो है यहाँ इस लैब में जो उन मुजरिमों को ये डिटेल दे रहा था, क्यों? अच्छा ये बताइए, ये जितने लोग गायब हुए हैं उन सबकी जो ब्लड रिपोर्ट आई है उसमें कोई कॉमन बात है? कोई कॉमन एक सी बीमारी हो या फिर ब्लड ग्रुप एक हो? नहीं सर, कुछ भी कॉमन नहीं था, सबके ब्लड ग्रुप एकदम अलग अलग थे, कोई बीमारी भी नहीं थी। मतलब सबकी सेहत अच्छी थी। पंकज सबको गाड़ी में बिठाओ, ब्यूरो ले चलो इन्हें। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है सर। सर मैं सच कहता हूँ सर, मैं बेगुनाह हूँ सर। सर मैंने भी कुछ नहीं किया सर। नहीं सर, इनमें से तो कोई भी नहीं है जो उस दिन घर पे ब्लड लेने के लिए आया था। आपने ठीक से देखा? हाँ पूरा यकीन है आपको कि इनमें से कोई नहीं था? नहीं सर, क्योंकि वो आदमी ने टोपी लगा रखी थी। सर सर JD लैब्स के बाकी के एम्प्लॉयज की कुंडली निकाली है जिन पे हमें शक है। अच्छा कौन कौन है? एक नहीं सर, चार ऐसे लोग है जिन पे शक ही शक किया जा सकता है। अच्छा सर, सबसे पहला संतोष, इसकी बीवी 8 महीने से हॉस्पिटल में थी और इसके पास इलाज के पैसे नहीं थे। पता नहीं अचानक इसकी कौन सी लॉटरी लग गई कि इसने सारे पैसे देकर अपनी बीवी का इलाज कर लिया। अच्छा और सर ये दूसरा जतिन है, 8 महीने पहले JD लैब पे इसकी नौकरी लगी हुई थी और ये सारे हादसे शुरू हुए 7 महीने पहले। मतलब इसके नौकरी ज्वाइन करते ही ये सारे हादसे शुरू हो गए। बाकी दो सर सिद्धेश और मालिनी, इनकी सैलरी 18,000 और 20,000 है, मगर फिर भी पिछले 6 महीनों में ये 2 फॉरेन ट्रिप्स कर चुके हैं। अच्छा संतोष, जतिन, सिद्धेश और मालिनी, लगता है फिर से JD लैब जाना पड़ेगा। हाँ मैं गया था यूरोप छुट्टियां मनाने के लिए, लेकिन वो पैसा किसी गलत काम से नहीं आया था। मेरे चाचा मेरे लिए 25,00,000 रुपए छोड़ के गए थे अपनी वसीयत से। और मालिनी जी आप भी यूरोप घुमाई तो आपके लिए भी कोई वसीयत में कोई छोड़ गया था क्या कुछ? नहीं सर, दरअसल मैं सिद्धेश के साथ ही गई थी। सिद्धेश के साथ? एक्चुअली मालिनी और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ओह लव स्टोरी। हाँ मैंने अपनी बीवी का इलाज करवाया मगर कोई गलत काम करके नहीं, उसके जेवर बेचकर, और तो और मेरा तो घर भी गिरवी पड़ा हुआ है। अगर आप चाहें तो मैं उसके पेपर भी दिखा सकता हूँ आपको। हाँ सर, संतोष तो सुबह से शाम तक ऑफिस में ही रहता है, ये कब जाएगा किसी का ब्लड सैंपल लेने? और जतिन? जतिन तो बहुत कम ऑफिस आता है, तभी आता है जब कोई जरूरी काम हो। अच्छा तो तभी हमारा आदमी हो सकता है, ये जतिन कहाँ मिलेगा? मैं वादा करता हूँ सर, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, कुछ भी नहीं बताऊंगा। ये कसमें वादे सिर्फ फिल्मों में अच्छे लगते हैं, समझे? हमारे काम के नियम तो पता है ना तुम्हें? सर मैं ये शहर छोड़कर चला जाऊंगा सर, मैं देश ही छोड़ दूंगा, वो मुझे कभी ढूंढ नहीं पाएंगे सर। सर प्लीज सर। जतिन अपना और हमारा वक्त बर्बाद मत करो, जब जिसकी आंख बंद होनी है तो वो तो होनी ही है, समझे?
जतिन। सर वो आ रहे हैं। सर अंदर कुछ चल रहा है। जतिन जतिन क्या हुआ? हाँ दुखी तो? किसने किया ये? किसके लिए काम करते हो तुम? बोलो। वो आँख सब देख सकती है, सब कुछ देख सकती है। सब देख सकती है। सर सर शायद इस हार्ड डिस्क से कुछ पता चल जाए। बॉस मिर्करी डेंथोनिल नाम के जहर से मरा है ये जतिन। मिर्करी डेंथोनिल? यार ये तो वही जहर है ना जो किसी के शरीर के अंदर चला जाए तो 5 मिनट के अंदर अंदर खत्म हो जाता है आदमी। हाँ सर बहुत ही खतरनाक जहर है। और ये जहर बहुत ही खुफिया तरीके से छिपा करके रखा गया था इसकी इस अंगूठी में। बस ये इस अंगूठी में छिपा करके रखा। ये देखो ये तो देख रहे हो ये छोटी सी पिन इस सुई पर था उसे और ये इस अंगूठी में। अब बॉस इस अंगूठी को ऐसे घुमाया जाए तो ये पिन बाहर निकलती है। ये और जैसे ये सुई इसके उंगली पे लगी देखते ही देखते पूरे शरीर में ये जहर फैल गया। लेकिन सर जतिन अपने आप को मारेगा क्यों? फ्रेडी जतिन को पकड़े जाने का डर था। एक बात तो पक्की है कि जतिन अपने बॉस से जिसके लिए वो काम कर रहा था उससे बहुत डरता था। वो इतना डरता था कि जब इसे पता चला कि हम इसे पकड़ने आ रहे हैं तो इसने खुदकुशी कर ली ताकि इसके जरिए हम उसके बॉस तक ना पहुंचे। समझे? ये मामला सिर्फ किडनैपिंग और सीरियल किलिंग का नहीं रहा। ये बहुत बड़ा चक्कर है। बहुत ही खतरनाक बहुत ही बड़ा चक्कर जिसमें कोई बड़ी गैंग इन्वॉल्व है। कोई बड़ी गैंग वो गैंग जिसकी निशानी है आंख। सर सर लैपटॉप में कुछ नहीं मिला। सारी फाइल्स खुद ब खुद डिलीट हो गई ऑटो डिलीशन की वजह से। और हार्ड डिस्क? सर हार्ड डिस्क भी डैमेज हो गई थी सर मगर एक लिस्ट हमने रिकवर कर ली। हाँ सर। अरे इसमें तो 100 से भी ज्यादा नाम है। सर स्नेहल के साथ और जितने भी लोग गायब हुए थे सर सब उस लिस्ट में। मगर सर किसी को भी कोई बीमारी नहीं है। जरूरी लिस्ट जतिन ने जीडी लैब में से चुरा कर अपने बॉस को दे दी। पर कौन कौन हो सकता है इस लिस्ट में से जिसकी मौत का नंबर आ गया है? कौन हो सकता है? एक काम करो इसमें जितने भी नाम है जितने भी लोग इन सबको फोन करो। सतर्क करो उनको। उनको बोलो उनकी जान को खतरा है। क्या? अरे नहीं मैं मजाक नहीं कर रही। मैं वाकई सीआईडी से बोल रही। आपकी जान को खतरा है इसलिए जब तक हम ना कहें आप प्लीज घर से बाहर मत निकलिए। क्या नौकरी का बुलावा? मत जाना अलीशा। पर मैं तो निकलने वाली हूँ। नहीं घर से मत निकलना आप। अलीशा अलीशा हेलो 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 अलीशा। क्या हुआ फ्रेडी? हेलो फ्रेडी क्या हुआ? सर अलीशा नाम की एक लड़की को नौकरी के लिए इंटरव्यू का बुलावा आया था अब उसका फोन बंद आ रहा है। सर ओहो, इस वक्त कौन आ गया? अलीशा जी आप कौन? सीआईडी।
ओह माय गॉड, मतलब मुझे जो मॉडलिंग ऑफर मिला था वो झूठा था, वो लोग मुझे किडनैप करने वाले थे। पर अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अलीशा अब इंटरव्यू के लिए जाएगी भी और उसे कुछ होगा भी नहीं। नहीं सर, मैं इंटरव्यू के लिए नहीं जाऊंगी सर, सर मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम नहीं जाओगी, कोई और जाएगा अलीशा बनके। Excuse me? Yes. Actually, मैं रास्ता भटक गई हूँ, वो GPS में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं? आपको जाना कहाँ है मैम? मुझे यहाँ तक, मैं अभी बताती हूँ। क्या किया तुमने? अलीशा के बजाय किसी और को लेकर आ गए? अरे भाई, इसने मेरी क्या गलती? कार भी अलीशा की थी और मोबाइल भी उसी का था। तो अलीशा का ब्लड ग्रुप कहां पे है? तेरी खबर तो बॉस ही लेंगे। हेलो ब्यूटीफुल, मुझे ढूंढ रही थी क्या? लो मैं आ गया तुम्हारे पास। हाँ चलो भागने की कोशिश, ब्यूटी विद ब्रेन्स। हाँ क्या हुआ? तुम लोग क्या मक्खी मार रहे थे क्या? रे वो तो अच्छा हुआ मैं टाइम पे आ गया, तलाशी लो इसकी बराबर से। जूते में क्या है? खुद ही देख लो। निकालो। निकाल, इतना टाइम लगाते है रे तू? हाँ ओए, क्या हुआ भाई? ट्रैकिंग डिवाइस। तुम लोग ने ठीक से चेक नहीं किया था कर? नहीं। और तू हीरोइन कौन है? तू तुम लोगों की मौत। अच्छा CID। ओ भागो। पूर्वी सर,
सर उस तरफ भागा। स्नेहल चलो जल्दी। कोई है? भारो भारो जल्दी। आइए बाहर आइए आइए जल्दी इस तरफ संभाल के। मुझे लगा मैं यहां से कभी निकल ही नहीं पाऊंगी। पागल तुम कहीं भी होती ना मैं तुम्हें बचा के ले जाता। तुम इतना पसंद करते हो मुझे? ये 10 किलो कम हो गया तुम्हें ढूंढते ढूंढते। पागल चलो चलो यहां से जल्दी चलो। इतनी आसानी से तुझे मरने नहीं देंगे। बोला वो क्या रहा था यहाँ पे? किसके कहने पे कर रहे थे तुम ये सब? हम जिसके लिए काम करते हैं ना तुम उसके बारे में कभी जान नहीं सकते। उसकी आंखें तुम्हें देख सकती है लेकिन तुम उसे कभी नहीं देख सकते। हम नहीं देख सकते? शरीर के पुर्जों के लिए लीवर किडनी वो क्या है ना आजकल हर चीज ट्रांसप्लांट हो जाती है ना। क्या इंसान की शरीर की अंगों की तस्करी का इतना बड़ा व्यवहार चल रहा है? हाँ जेडी लैब्स जैसे और भी लैब्स है जहाँ से हम लोगों के डाटाबेस चुराते हैं और उनमें से सेहतमंद लोगों को चुनते हैं ताकि उनके ऑर्गन्स बेच के करोड़ों रुपए हम विदेशी से कमा सके। किन विदेशियों को? दुनिया भर के विदेशी एक खास वेबसाइट पर आते हैं जहाँ पे इंसान के शरीर की अलग अलग पुर्जों की नीलामी होती है। एक बार पैसे हमारे अकाउंट में आ जाए तो क्लाइंट के ब्लड ग्रुप वाले इंसान को हम ढूंढते हैं उस लिस्ट में से। उसके बाद उनको 500 रुपए का टेस्ट वाला मैसेज भेजते हो ताकि ये पता कर सको कि उनका गुर्दा लीवर या फिर दिल तुम्हारे क्लाइंट से मैच होता है या नहीं। बिल्कुल ठीक। मैच होने के बाद हम उसे इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं ठीक उसी तरह जैसे मकड़ी एक मक्खी को लालच के जाल में फंसाती है। इतना सब कुछ करने के बाद भी इतनी बेशर्मी से हंस रहा? अपने किए पे जरा भी शर्मिंदा या पछतावा नहीं हो रहा तुम्हें? हंसी तो मुझे तुम लोगों पे आ रही है सीआईडी। मुझे पकड़ने से तुम्हें क्या लग रहा है? तुमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। हमारे इसे ऑर्गन गैंग को पकड़ना ऐसा है जैसे समुन्दर में से एक लोटा पानी निकालना। अच्छा पहले ये बता तेरा बाप कौन है? मारो मुझे। मैं भी ये चाहता हूं कि तुम मुझे मार दो क्योंकि अगर मैं जिंदा पकड़ा गया ना तो मेरा बॉस मेरे दोस्त मेरे रिश्तेदार मेरे घर वाले सबको मार देगा वो। कौन है तुम्हारा बॉस और कौन कौन लोग शामिल है तुम्हारे इस धंधे में? इसका जवाब आप मेरे मुंह से कभी सुन नहीं पाओगे एसीपी साहब। एक बुरी खबर है हमारे ऑर्गन गैंग वाली आंख सीआईडी वालों ने बंद कर दी है मगर इससे पहले रणवीर सीआईडी वालों के हाथ लग पाता उसने अपनी जान दे दी। सीआईडी वालों ने हमारी 1000 में से एक आंख बंद कर भी दी तो क्या? वो एक आंख बंद करेंगे तो उसके जवाब में हम 100 आंखें और खोलेंगे। अब आएगा मजा खेल का। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.